नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज और शहीदों की नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज हम कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं। इसी कारण यहां की जनता लगातार इनको नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनती चली आ रही है। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या विकास कार्य उन्होंने किए हैं तथा भविष्य में क्या प्रस्तावित है, और यदि वो अगली बार नौवीं बार विधानसभा में पहुंचते हैं तो क्या आगे की रूपरेखा है, किस प्रकार से वो शाहजहांपुर को आगे और आगे ले जाना चाहते हैं। साथ ही विपक्ष का जो आरोप है उस पर भी उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। सुरेश कुमार खन्ना जी, आप लगातार 8 वर्ष से निर्वाचित हो रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी आपने विकास कार्य किए हैं, आगे भविष्य में जब आप निर्वाचित होते हैं तो क्या आपका मॉडल है, क्या उद्देश्य है, क्या लेकर के आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, विकास 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 और सिर्फ और शाहजहांपुर को एक नंबर बनाना चाहते हैं। विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक अभी आपने जो विकास किया है तो उसमें काफी कुछ लंबित भी है, उसके लिए आपने क्या आगे विचार किया, क्या करेंगे आप उसमें? जो कुछ भी काम हमने शुरू किया है ज्यादातर कामों का हम शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण भी करते हैं, और जितना भी काम चल रहा है उसका भी लोकार्पण ही करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा के विषय में लोगों का आरोप है विपक्ष का कि शिक्षा में आपने कुछ भी नहीं किया है और इस कारण जो है शिक्षा में ये जनपद पिछड़ गया है। कई डिग्री कॉलेज और हमारे विधानसभा क्षेत्र कराए, कितनी तरह के कॉलेज चालू होने जा रहा है, जनपद संयुक्त हो गया, तैयार हो गई, अजीजगंज का इंटर कॉलेज भी बनकर तैयार हो गया है, वो भी जल्दी प्रारंभ होगा। तो लड़कियों के ये हैं सुरेश कुमार खन्ना, जिन्होंने ये कहा कि ये जनता ने विश्वास व्यक्त किया तो हम शाहजहांपुर को कुछ सही सुविधा दिलाएंगे, और जो बड़े महानगरों में सुविधाएं हैं वो शाहजहांपुर